हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वर्लपूल हॉब 4 बर्नर ऑटो इग्निशन गैस स्टोव इलाइट हाइब्रिड HD704 ब्रास गैस हॉब। इसे हमने अमेज़ॉन से परचेस किया है, तो ये अब आ चुका है और अब हम इसे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो हम अब फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो ये अंदर इसके हमें बिल मिला है। बॉक्स के पैकिंग पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शन अनपैकिंग इंस्ट्रक्शन है और अब हम इसे ओपन करते हैं। तो बॉक्स अब ओपन हो चुका है। तो बॉक्स के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी पैकिंग देखने को मिलती है। इस ट्रे में हमें बैटरी और ब्रास और स्टैंड और यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है। तो ये यूज़र मैनुअल है और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे यूज़ कैसे करना है और इसे इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये वर्लपूल लाइट हाइब्रिड गैस हॉब है। इसमें हमें ऑटो इग्निशन मिलता है और ये हाइब्रिड डिज़ाइन है। ये इसका वारंटी कार्ड है और इसमें कुछ स्क्रू भी दिए गए हैं। इसके अंदर हमें ये वारंटी कार्ड मिला है जिसमें वारंटी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ कुछ स्क्रू मिला है। तो वर्लपूल का हॉब 4 बर्नर ऑटो इग्निशन गैस स्टोव अब अनबॉक्सिंग हो चुका है। वर्लपूल हॉब 4 बर्नर ऑटो इग्निशन गैस स्टोव हमें कुछ अच्छे फीचर्स के साथ मिलता है, जिसमें हमें ऑटो इग्निशन, हाइब्रिड डिज़ाइन, मल्टी कंट्रोल बर्नर। तो हाइब्रिड हब हमें काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसमें हमें मल्टी रिंग मल्टी कंट्रोल बर्नर भी देखने को मिलता है। इसका ग्लास हीट रेजिस्टेंट ग्लास है और इसका नॉब भी हीट रेजिस्टेंट नॉब है और ये नॉब विद ऑटो इग्निशन के साथ हमें मिलते हैं। हीट रेजिस्टेंट नॉब्स विद ऑटो इग्निशन, ये फीचर्स हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये हाई एफएनसी मल्टी रिंग बर्नर है। अब हम बैक साइड देख रहे हैं। तो यहाँ हमें गैस के पाइप को लगाना होता है और यहाँ बैटरी लगाने के लिए बैटरी बॉक्स भी दिया गया है और ये कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं जिसमें मॉडल नेम बताया है। तो अब हम सबसे पहले बैटरी को लगाने वाले हैं। तो ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है जिसे हमें बैटरी के बॉक्स में लगाना होता है। तो यहाँ बैटरी के बॉक्स में बैटरी को बिठाया गया है। बैटरी को लगाने के बाद अब हम ये ब्रास देख रहे हैं जिसमें कुछ मार्किंग दी गई है, जिसे हमें उस मार्किंग की जगह पे लगाना है। तो ये इसकी मार्किंग है जहाँ पे हमें बर्नर को अच्छे से लगाना है। इसी प्रकार हमें स्मॉल और लार्ज ऐसे दो बर्नर को अपनी अपनी जगह पे लगाना है। इसमें हमें दो लार्ज साइज़ में बर्नर मिले हैं
और दो स्मॉल साइज में बर्नर मिले हैं। ये आप लार्ज साइज का बर्नर देख रहे हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में लार्ज साइज बर्नर है और राइट साइड में भी लार्ज साइज बर्नर है और सेंटर में हमें स्मॉल साइज के बर्नर देखने को मिलते हैं। तो अब ये स्टैंड लगाया जा चुका है और इस स्टैंड में भी हमें लॉक देखने को मिलता है, जिसे हमने लगाने के बाद उस लॉक में फिट करना होता है। तो ये अब अच्छे से लग चुका है। अब हम आगे इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन के लिए टेक्नीशियन अब आ चुके हैं। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिस पे हमें कॉल करना होता है और कॉल करने के बाद कुछ समय बाद टेक्नीशियन इंस्टॉल करने के लिए आ जाएंगे। इस वर्लपूल गैस स्टोव के साथ हमें गैस का पाइप नहीं मिलता, इसलिए हमने इसे पहले से ही ऑर्डर किया था। तो यहाँ हमने गैस का पाइप प्रेस्टीज का लिया है। तो अब इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। तो अब गैस के पाइप को लगाया जा रहा है। तो इंस्टॉलेशन अब पूरा होने को आ चुका है और आगे हमें डेमो दिया जाने वाला है। ये सिर्फ इसमें आपको डालना है। क्या होता है नॉर्मली आप ये खोलेंगे तो बाद में लगाने में दिक्कत आ जाती है, इसके लिए आपको मेन प्रायोरिटी इस चीज के ऊपर ध्यान देना, आपको ये जो चीज है टेक्निकली अंदर जानना चाहिए। ओके बात खुल गई। आवाज कैसा आ रहा है बर्नर का? ये लग चुका। तीन चीजें ध्यान में रखने की, ये गर्म रहेगा ना कभी भी उसके ऊपर ठंडा पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर कुछ आपसे यानी नॉर्मली क्या होता है दूध वगैरह हमारा उबाल के नीचे आता है, उबाल के दूध अगर नीचे आ गए तो इमीडिएटली मत पूछो, एक 10 मिनट जाने दो, जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद गर्म पानी डालो। नॉर्मल क्या होता है ये टफन ग्लास है, तो अगर आपने ये हीट ट्रेनिंग के बाद उसके ऊपर अगर आपने गर्म पानी डाला दिक्कत ये आ जाती है कि ये इमीडिएटली ग्लास क्रैक हो जाती है और इस केस में कंपनी आपको वारंटी प्रोवाइड नहीं करती। ओके बस ये तीन चार चीज़ें ये ध्यान में रखने की, सब बर्नर है। और इसका वारंटी का क्या क्या होता है? पूरा डिटेल में चेंज किया है, 1 साल की वारंटी है। अच्छा मेन पीसीबी और ग्लास वो भी अगर आपने कुछ ब्रेकेज आ गए तो अगर गर्म रहेगा गार पानी अगर गिरा ब्रेक आ गया तो कंपनी उसके इसमें आपको वारंटी प्रोवाइड नहीं करेगी। नॉर्मली इसमें कुछ होता ही नहीं होता, दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी? गर्म रहेगा तब ठंडा पानी मत डालो, ये भी ना गर्म रहेगी तो ठंडे पानी मत डालो, क्योंकि अगर ठंडे पानी में दोगे तो दिक्कत ले जाती है, ये श्रिंक हो जाती है, फिर उसके बाद बीच में से येलो कलर की फ्लेम आनी शुरू हो जाती है और आपको बर्नर चेंज करनी पड़ती है, इसमें कंपनी वारंटी प्रोवाइड नहीं करती अगर बर्नर मेल्ट हुआ।
तो यहाँ हमें पूरा डेमो दिया जा चुका है और अब हम वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हम वारंटी कार्ड पे डिटेल्स को भर रहे हैं। वारंटी कार्ड में हमने पूरी इंफॉर्मेशन अब ने के बाद साइन की है। तो इंस्टॉलेशन अब हो चुका है, डेमो भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वर्लपूल का हब गैस्ट्रो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, और आपको मैं लिंक भी देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप इसे चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के अनबॉक्सिंग के साथ।